पूजा ओलंपिक में जाने के लिए सिलेक्शन राउंड तक पहुंच गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद वहां वो हुआ जिसके बारे में ना पूजा ने कुछ सोचा था और ना मैंने। एक सेकंड, आपके कहने का मतलब ये है कि जो इनके साथ सिलेक्शन राउंड पे थी, क्या नाम बताया उसका? रुक्मणी। रुक्मणी, हाँ। उन्होंने जानबूझ के इनको तीर मारा ताकि ये राउंड से बाहर हो जाए? नहीं। और उसका रास्ता साफ हो जाए? नहीं मैडम, उसका इरादा सिर्फ पूजा को घायल करना नहीं था, इसकी जान लेना था। ऐसा काहे? ये हत्या का प्रयास का मामला है मैडम। कोई काहे किसी को मारेगा? हाँ संतु, मैडम सच में आ गए? भाग भाग। सर हम वॉलेट लेकर आते हैं। अरे आप बैठिए दीवान जी, हम आ रहे हैं, बैठिए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। करिश्मा सिंह जी, जब हम गए थे यहाँ से तभी एफआईआर रजिस्टर आपके टेबल पर थी वहाँ, अब हम आए हैं तो यहाँ पढ़िए, कोई नई एफआईआर आई है क्या? देखिए तो। नहीं सर, वो क्या है कि आधी एफआईआर, मतलब हमारे जाते यहाँ पे एफआईआर लिखी जा रही थी। अरे हसीना जी आइए ना, ये देखिए क्या धांधली चल रही है आपके थाने में, एफआईआर लिखी जा रही है और हमसे छुपाया जा रहा है, देखिए ना। हसीना जी, मतलब ऐसे थाना जीतेंगी आप चीटिंग करके? हाँ, मतलब हमने जो इस थाने के बारे में और आपकी ईमानदारी के बारे में जो भी चर्चे सुने थे वो सब झूठे थे। करिश्मा सिंह, जब एक बार तय हो चुका है कि हमारे थाने में आने वाली सभी शिकायतें हम एक साथ मिलकर हैंडल करेंगे, तो फिर आपने इस एफआईआर के बारे में इन्हें बताया क्यों नहीं? कायदा कानून प्रोटोकॉल नाम की चीज है या भूल चुकी हैं? मैडम सर, वो अमर सर, मैडम सर का इसमें कोई गलती नहीं है, वो महिला संबंधित केस आया तो हमको लगा कि मैडम सर का समझना थोड़ा ज्यादा उचित होगा, इसलिए हमने। ठीक है, बात करते हैं शिकायतकर्ता से। और मिस्टर अमर विद्रोही जी, तजुर्बा कहता है हमारा, जिनके खुद के हाथ काले होते हैं उन्हें स्याही से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने गोपालगंज में जो किया था वो भी किसी धांधली से कम नहीं। नहीं, क्या है ना कि दूसरों के सामने खुद को हीरो बनाने के लिए दूसरों को कमतर साबित करना, ये बहुत ही कमजोर खिलाड़ी की निशानी होती है। बहरहाल, हम अपनी टीम की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। चलिए अब इस एफआईआर को साथ मिलकर हैंडल करें। जी बिल्कुल। करिश्मा सिंह जी, बुलाते हैं। सर, ये अभिजीत कुमार है और ये इनकी सुपुत्री। पूजा कुमारी, राइट? आप वही है ना फेमस आर्चर जिनका ओलंपिक में सिलेक्शन होने वाला था, बट आप ही की किसी कॉम्पिटिटर ने आपको तीर मारकर घायल करने की कोशिश की थी। क्या नाम था उनका? रुक्मणी। अब सर, आपको कैसे पता ये सर? अब देखिए ना, बाजू में पट्टी, टी शर्ट पे एएसी का लोगो, एएसी का मतलब एशियाटिक आर्चरी चैंपियनशिप। और क्या जानना है ये जानने के लिए कि यही पूजा कुमारी है वो, और अपने फादर के साथ उसी केस के सिलसिले में यहाँ पर आई है। अच्छा, ये न्यूज तो चर्चा में है, आप आगे बताइए कि आपकी कॉम्पिटिटर ने मतलब क्यों ट्राई किया था आपको इंजर्ट करना? ये सब मैं हसीना मैडम को ही बताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि ये मामला हसीना मैडम ही देखे। कैसी बात कर रही हो बेटा, देखने लिए तुम्हारे सामने कौन बैठा है? अमर विद्रोही, बहुत बड़े अफसर हैं सर। उस दिन देखा था वो नेता आपको देख करके लाल बत्ती उतार के कैसे गाड़ी से भाग गया था। तुम इनको अपनी सारी आप बीती बताओ, ये इंसाफ दिलाएंगे तुमको। अरे ऐसी कोई बात नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, प्लीज गो अहेड, इन्हें ही बताइए। इसीलिए तो जानबूझकर इन्होंने इस तरह की हीरो वाली एंट्री ली थी ना गोपालगंज में। देखिए, न्याय होना जरूरी है, चाहे वो केस ये हैंडल करें या हम करें। अगर आपको लगता है कि इस केस को ये बेहतर हैंडल कर सकते हैं, सो प्लीज गो अहेड, बताइए। मैडम सर, हसीना जी, दो मिनट बात करनी है आपसे। क्या? केस के सिलसिले में बात करनी है, दो मिनट प्लीज।
ठीक है चलिए हम बस अब गए दो मिनट। अंग्रेजी समझ में आती नहीं पढ़े क्या हम बताओ फोटो देखें इसमें। सॉरी 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 कहीं बैठिए आई ना। देखिए हसीना जी कई बार ना आंखों से देखी हुई चीजें भी सच नहीं होती हैं। अब फिर वो पर्टिकुलर मोमेंट निकल जाता है ना तो सफाई देने की कितनी भी कोशिश कर लें कोई फायदा नहीं होता है। अब देख लीजिए वो लाल बत्ती वाले नेता के मामले में हमारे साथ वही हो रहा है। समोसा लाना। देखिए हम सफाई नहीं दे रहे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक दूसरे से ऐसे नाराज रहकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर ड्यूटी नहीं कर पाएंगे ना ये थाना नहीं चल पाएगा। उल्टा जो थाने में कंप्लेंट लिखवाने आते हैं ना उनके सामने हमारे थाने की इज्जत कम हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा था कि हम दोनों दो समझदार लोगों की तरह अगर इस लड़ाई को पर्सनल ना होने दें तो। और जब तक ये लड़ाई चल रही है हार जीत का फैसला नहीं हो जाता हम क्यों ना एक दूसरे से हंसते हंसते लड़े यू नो वॉर विद रिस्पेक्ट। समोसा। तुम बदनाम कहाँ है? वो उधार वसूली करने गया था ना तो मिमिक्री करते करते कुछ ज्यादा बोल दिया तो बहुत मारा उसको सबने तो अभी अस्पताल में। अरे यार एक और लाओ ना समोसा। एक ही बचा है। ये लीजिए आप लीजिए ना। नहीं नहीं आप ही खाइए हमें छीन कर खाने की आदत नहीं है। मतलब नाराजगी खत्म नहीं हुई आपकी। सॉरी टू से बट आपको देखकर ना हमें मुगले आजम मूवी के पृथ्वीराज कपूर की याद आती है। वही पीठ के पीछे हाथ रखकर वही शाही तेवर वही रुबाब वही जलाल। समोसा भी मांगती है ना तो ऐसा लगता है मौत का फरमान सुना रही। समोसा लाया जाए वरना तुम्हें दीवार में चिनवा दिया जाएगा। अभी नहीं। सॉरी समोसा। बार बार एक ही बात दोहराने से या फिर सफाइयां देने से झूठ जो है सच नहीं हो जाता। और सच बात यह है कि उस दिन पब्लिक प्लेस में जो आपने घटिया हीरोगिरी दिखाई है वो बात माफी के लायक है ही नहीं। और अगर दोबारा आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो जबान चाहे कोई भी हो जवाब देना हमें आता है। सीना जी मतलब आपको देखकर लगा नहीं था कि आप इतनी जिद्दी और खड़ूस होंगी। अच्छा आपको देखकर भी नहीं लगा था कि आप थाना हासिल करने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। ये सॉल्व कीजिए मिस्टर अमर विद्रोही। सरकार हमें काम करने के पैसे देती है समोसे खाने के नहीं। सर आपका भी उधारी का खाता खोल दो यहाँ पे। खोल दो क्योंकि इनका तो बहुत जल्दी बंद होने वाला है। हाँ जी तो बताइए आपको क्यों लगता है कि रुक्मणी ने आपकी जान लेने की कोशिश की होगी? नहीं मतलब आई अंडरस्टैंड हर फील्ड में कॉम्पिटिशन क्लैशेस होते हैं। लोग नहीं चाहते कि उनसे बेहतर लोग आकर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें और उनके जीतने के चांसेस कम कर दें। और अगर यही बात दिमाग में रखकर रुक्मणी ने तुम पर अटैक किया होगा तो बात समझ में आती है। लेकिन सर किसी की जान लेना छोटी बात नहीं है तो बताइए क्यों लगता है आपको कि रुक्मणी आपकी जान लेने की कोशिश कर रही थी? सर आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। दो मिनट मैं बुलाता हूं आपको। जी क्या नाम है बॉयफ्रेंड का? हैरान होने की जरूरत नहीं है कोई भी तुम्हारी शक्ल देख के बता देगा फेर का मामला है। नाम बताओ। अंकुर। पूरा नाम? अंकुर बंसल। वो हमारे साथ ही ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। तीरंदाज है? जी। आगे? अंकुर और मैं हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से चाहते हैं। रुक्मणी भी अंकुर को प्यार करती है उसे हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं है। उसकी जलन नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं है सर। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा ऐसी सोच रखने वाली लड़की है सर वो। आखिरकार उसकी जलन इतनी बढ़ गई कि वो मुझे अपने रास्ते से हटाने की तैयारी कर रही थी और उसने एरो से मुझ पर हमला किया। सर सर वो मुझे जान से मारना चाहती है। पर आपको ऐसे काहे लगता है कि वो आपको मारना चाहती है?
इसका मतलब हमारे पूछने का तात्पर्य ये है कि इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है कि तुम पे हमला किया हो जानलेवा, ऐसा कुछ हुआ है पहले कभी? सिलेक्शन से पहले हमारी हाथापाई हुई थी, सबने देखा सर। सर क्या हुआ था? सर अंकुर और रुक्मणी पिक्चर देखने गए थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, जब मैंने ऐतराज जताया तो वो हाथापाई पे उतर गई। सर मैं भी सेल्फ डिफेंस में थोड़ी वायलेंट हो गई। करिश्मा सिंह जी सर, जहाँ ये सब कुछ हुआ है ना उस जगह पे जाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। जी सर। आई होप हमारे हाथ में नया एंगल जरूर लगेगा। जी सर। करिश्मा सिंह हर चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? जी सर। जय हिंद। जय हिंद। चुके हैं हम तुझे लड़के दिखा दिखा के, हर बार कोई ना कोई कमी निकाल कर टाली जा रही है, टाली जा रही है। लेकिन इस बार तू इस लड़के को नहीं डाल सकती। पूछ क्यों? क्योंकि हजारों मिन्नतें मानने के बाद भी ऐसा लड़का नहीं मिल सकता। सैफ अली खान शादीशुदा है। अरे नहीं, खालिस कुंवारा है, हमने खुद पता लगाया है। सैफ अली खान शादीशुदा है। अरे तो सैफ अली खान से कौन शादी करने बोल रहा है? अरे जो कुवारा है उससे शादी करने के लिए कह रहे हैं ना तुझसे। बस हम लड़के वाले से हाँ करने जा रहे हैं, हम बोल देंगे कि तुझे लड़का पसंद है और जल्द से जल्द निकाह की तारीख निकलवा ले। अम्मी ये क्या बात हुई? क्या बात हुई मतलब क्या? अगर ये हाथ से निकल गया ना तो जान ली तो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रह जाएगी, कोई नहीं आने वाला है तुझसे शादी करने। हाँ वैसे भी अब शहर में तेरा पहले जैसा रुतबा तो नहीं रहा, वो तेरा नया ऐसे जो है ना, क्या नाम है उसका, अमर ज्योति, अमर विद्रोही, अमर विद्रोही, अब वो है शहर का नया हीरो। नेता की बत्ती हटाकर पूरी शहर की वाहवाही लूट ली है उसने। सुना है शहर की सारी लड़कियां उसके पीछे पीछे भाग रही है। शादीशुदा है। अरे अब फिर से तूने सैफ अली खान कहां घुसा दिया बीच में? अमर विद्रोही शादीशुदा है, उसका 8 साल का बेटा है। या अल्लाह ये सारे अच्छे लड़के शादीशुदा ही क्यों पैदा होते हैं? आपसे किसने कह दिया कि वो अच्छा लड़का है? अरे देखा है ना उसे, सुबह से टीवी पर दिखा रहे। अच्छा सुन, हम ना तेरे फोन में उस सैफू का नंबर सेव कर रहे। सैफू सैफू सैफ अली खान, और तेरा नाम और तेरी फोटो भी भेज दिए उसे, ठीक है? क्या करीना के नाम से? तू भी ना याद रखना हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? मैम यहाँ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, रुक्मणी मेरी अच्छी दोस्त है बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जबकि पूजा को लगता है रुक्मणी मुझे चाहती है, मेरे पीछे पड़ी है, पर रुक्मणी तो मेरी बहन जैसी है। मैम हम खुद हैरान है ये सब कैसे हो गया, हम सब वही थे, रुक्मणी का टारगेट पर पूरा ध्यान था, वो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ निशाना लगा रही थी और अचानक तीर पूजा को लग जाता है, ये कुछ समझ में नहीं आया। हो सकता है रुक्मणी का जो है निशाना चूक गया और गलती से पूजा को जाके लग गया हो। आप रुक्मणी को जानती नहीं है ना इसलिए ऐसा कह रही है। रुक्मणी स्टेट लेवल चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट, वो आँख बंद करके भी निशाना लगाएगी ना तो भी नहीं चूकेगा। अच्छा कहाँ है रुक्मणी? जब से हादसा हुआ है वो डिप्रेशन में है, ना किसी से बात करती और ना ही प्रैक्टिस, उसके सारे ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर सब बर्बाद हो गया। देखिए वहां बैठी है अपने पिताजी के साथ। जी हाँ, मैं SI करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। पूजा पर हुए हमले की हम छानबीन करने यहाँ पर आए हैं। आप रुक्मणी है? हाँ जी यही रुक्मणी है और मैं इसका पिता हूँ सत्तू। जी आपकी बेटी के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, जानलेवा हमले का धारा लगा है इन पे, तो हम चाहेंगे कि आप शाम को 5 बजे आए और फिर थाने में इस पे विस्तार से बात करेंगे। अभी कुछ ऐसा कोई बात है जो आप हमसे बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। आप खुद सोचिए मैडम, अगर इसको उस लड़की का कुछ भी बुरा करना था, सोचना था, तो क्या यह ऐसे वक्त पे करती जबकि इसकी खुद की सालों की मेहनत दाव पर लगी है? इसे कुछ नहीं पता कि वो तीर उस लड़की को कैसे लग गया। मैंने उसे एरो नहीं मारा मैम, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने तीर निशाने पे लगाया, मुझे नहीं पता तीर उसे कैसे जाकर लगा। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर आप इतना काहे घबरा रही हैं? बिल्कुल मत घबराइए, आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है अभी, इस पे बैठेंगे, बात करेंगे, विस्तार से इस मामले पे जाएंगे, इसके तह तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले ना हमको आपकी मदद की जरूरत है।
प्रैक्टिस राउंड पे क्या क्या हुआ था हमें बिल्कुल बारीकी से बताओ। रुक्मणी कुमारी, तीरंदाजी की दुनिया में वह उभरता नाम जो आने वाले समय में भारत का नाम रोशन करने वाला है। पूरे भारत की उम्मीदें जुड़ी है इस होनहार बच्ची से। ठीक है, तुम हमारे साथ आओ और बुलाए पे निशाना लगा के दिखाओ। चलो। लगाइए निशान। लगाइए। हमारे तीन गिनने के बाद, ठीक है? एक, दो, तीन। आ भैया, पीजे चेयर्स। सर, आपको नहीं लगता है कि आपने करिश्मा मैडम को तफ्तीश के लिए अकेले भेजकर गलती कर दी? नहीं मतलब जो भी हो, ये मत भूलना सर कि वो दुश्मन खेमे से है। अरे दीवान जी, कोई भी गोल अचीव करना हो ना तो उसके लिए जरूरत पड़ती है सही और सटीक टीम की, और सही और सटीक टीम बनती है सही और सटीक लोगों से। करिश्मा सिंह वो सही और सटीक हथियार है जो जिसकी तरफ होगा जीत का पलड़ा उसी का भारी होगा। दीवान जी, मैं बस उसका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अरे टेंशन मत लीजिए दीवान जी, केस रहेगा हमारा ही। पहचाना, अमर विद्रोही बलि, डॉन बलि चेपू। तूने मेरा पूरा धंधा उजाड़ दिया और मुझे उखाड़ कर बाहर फेंक दिया देश के। सच कहूं, मैं बर्बाद हो गया था पूरी तरह से तेरी वजह से। पर मैंने बुरा नहीं माना, सोचा एक शेर से मुकाबला हुआ है तो इतना तो नुकसान परवड़ेगा। पर मुझे क्या पता था, आज तक जिसे मैं शेर मानता था वो तो एक बकरी निकला। तेरा वीडियो देखा मैंने तेरी बहन के साथ में, अमर विद्रोही, कैसे हवा से निकला हुआ गुब्बारा पिलपिलाता हुआ अपनी बहन के सामने खड़ा है। सही कहा तेरी बहन ने, हमेशा से औरतों से हारता आया है और आगे भी औरतों से हारता रहेगा। लूजर है तो लूजर छोटू भैया। सर, सर ये तो छोटू, ये बाहर क्या ड्रामा चल रहा था? आई मीन एक थाने के दो तो SHO, मतलब यहाँ भी लड़कियां तुमसे आगे हैं, तुम पर भारी है। सर, सर ये तो छोटू, ये बाहर क्या ड्रामा चल रहा था? आई मीन एक थाने के दो तो SHO, मतलब यहाँ भी लड़कियां तुमसे आगे हैं, तुम पर भारी है। क्या, कैसे हुआ ये सब? मैडम सर, पूजा तो चाहती ही थी कि आप इनका केस देखें, लेकिन अब इनके पिताजी भी यही चाहते हैं कि आप ही इनका केस देखें। देखिए प्लीज, आप लोग ऐसा मत करिए, अमर विद्रोही आपका केस हैंडल कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। माफ कीजिएगा मैडम, अमर साहब का वायरल वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनके बारे में हम जो सोच रहे थे वो सही नहीं था, और फिर अमर साहब की बहन भी आपको उनसे बेहतर मानती है। अब आपसे अच्छा हमें न्याय कौन दिला सकता है? मैडम, मुझे तो आप पर पहले से विश्वास है, मेहरबानी करके आप ही संभालिए केस, और जितनी जल्दी हो सके उस रुक्मणी को पकड़ के जेल में डाल दीजिए, बस अब आपका ही सहारा है। अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं। शुक्रिया, चलो। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है पुष्पा जी,
हमें पता लगाना होगा कि ये वीडियो कहाँ, कैसे और किसने रिलीज किया है। जी जल्दी जल्दी जल्दी। मतलब इस कमरे में उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था। सोचा नहीं था दीवान जी कि जीतने के लिए इतने घटिया पने पे उतर आएंगे ये लोग, और खासकर हसीना मलिक से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। थाना हासिल करने के लिए इतना गिर सकती है वो औरत? औरत है ना सर, ये तो करना ही था।